सर क्या सही फ्रेम पे हो पता है, गुरु पूर्णिमा स्पेशल और आप ठीक सामने मेरे जो गुरु है। ऐसा मतलब इतना ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैंने आफ्टर झलक तो कितना हो गया मेरे को 6-7 महीने हो गए। गाइस चलती शूट में हम यहाँ पर ऐसे खाते, जिंदगी हो तो ऐसी हो भाई। बच्चों बैठ जाओ। मिलता है ना जब इतना प्यार कि भाई देखता हूँ मैं, इमोशनल हो जाता हूँ कसम से। आर यू नर्वस? अभी तो नहीं, जब परफॉर्मेंस आएगी तब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। सो आज हमारा शूट है, सुबह के बज रहे हैं 8 एंड 10 बजे का कॉल टाइम है। नहा धो के फुल रेडी वेडी हो चुका हूँ एंड यहाँ पर नाश्ता जो है मम्मी ने लगा दिया। नाश्ते में भाई छोले और रोटी बनाई और यहाँ पर अंडे छीले जा रहे हैं। आज शूट है, अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट। अभी पूजा करते रहना और क्या बोलूं मैं, है ना, भगवान से मिन्नतें मांगते रहना कि हाँ मेरा बेटा आगे जाता रहे, है कि नहीं। तो अभी मैं नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ और फिर देने उसके बाद निकलता हूँ। आंखें देखो भाई, मतलब कितनी डिफरेंस हो गई भाई। रियलिटी शो में जैसे घुसते ना तो शरीर दर्द, आंखें फूलना एंड नींद कम, ये सब मैंडेटरी है। मतलब कि ये अगर नहीं है तो फिर आप रियलिटी शो नहीं कर रहे हो। फिगर भी तो बन रहा है। मतलब फुल पतला हो रहा हूँ मैं, पतला भी नहीं, फैट थोड़ा कम हो रहा है वैसा वाला, जो जितने भी बर्गर वर्गर खा रहा था ना मैं। बस तो कॉस्ट्यूम भी मैंने ले लिया है, अभी जाके सिर्फ रेडी होता हूँ, फिर देन उसके बाद मेरे को मेकअप भी कराना है एंड शूट आई थिंक सो 11-12 बजे तक जो चालू होना चाहिए ताकि पैकअप भी जल्दी हो। लेट स्टार्ट किया तो फिर लेट पैकअप होगा। सब कोरियोग्राफर्स को एक ही रूम नहीं दिया, अलग अलग दिया है, दो दो लोग के साथ दिया, दो दो कोरियोग्राफर, बट मेरा कहाँ है भाई। अच्छा मतलब जितने भी बड़े बड़े कोरियोग्राफर है वो दो लोग हैं और जो छोटे छोटे हैं वो तीन तीन। अरे अम्मा भाई साहब, मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैंने आफ्टर झलक तो कितना हो गया मेरे को 6-7 महीने हो गए, बट फिर वही सीन है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वापस से कम बैक करना एंड रियलिटी शो में नाचना। और आज पहली बार मैं स्टेज पे नाचने वाला हूँ, मतलब एज एन रिहर्सल में तो मैंने कर लिया स्टेज पे, बट फिर वही सीन होता है ना कि दैट जजेस होते हैं, ऑडियंस होती है, तो वही है उनके सामने थोड़ा सा ऐसा ना वो नर्वसनेस रहती है ना, वो है। बस भगवान बचा लेना आज, आपका आकाश करे। पूरा मेकअप वेकअप करके सेट हो चुका है एंड यहाँ पर मतलब मानना पड़ेगा जितने भी लोग मतलब कॉस्ट्यूम वगैरह बनाते हैं ना रियलिटी शो के, बहुत दिमागदार होते हैं। क्योंकि देखो मेरे आउटफिट में ना ये पिंक कलर का कुछ तो है, तो उन्होंने लेस भी पिंक वाला बना दिया, जो कि लेस नहीं है बिल्कुल भी, जो कपड़े का एकदम ना वो होता है ना सिलाई करके वैसा करके लेस बना दिया। टैलेंट तो है भाई। अभी जा रहा हूँ सेट पे एंड सेट तो मतलब भाई लेजिट इतना खतरनाक लगता है ना विजुअली, अभी देखना अभी आप कितना विजुअली तो लगता है टीवी में, बट वही है कि सामने से लाइव देखते ना बहुत क्रेजी है। बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, यहाँ पर जो लड़की है फुल रिहर्सल नहीं बॉडी वार्म अप कर रही है, इतनी डरी हुई है। डरना तो मुझे चाहिए भाई। अरे मेरे गुरुजी लुक हुई से आई कर दो सर, फ्लाइंग किस दो सर, क्या सही फ्रेम पे हो पता है, गुरु पूर्णिमा स्पेशल और आप ठीक सामने मेरे जो गुरु है, मस्त मजा आता है यार। मतलब अच्छा सा पॉजिटिव ऐसा फील होता है, जैसे विवेक सर को देखता हूँ ना, भले चाहे रिहर्सल में ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हो, जैसे सामने आता है ना एक स्माइल से आ जाती है यार। क्या बोलूँ मैं, कुछ बोलने को है नहीं। बाकी तो अभी परफॉर्मेंस हमारा तो लंच ब्रेक के बाद में है, तो अभी इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा। डर तब लगता है जब दो परफॉर्मेंस रह जाते हैं ना, फिर उसके बाद आपका आता है, तो दो परफॉर्मेंस पहले ही डर लगना चालू हो जाता है, बट ठीक है कोई नहीं। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब यू नो स्टेज कितना कूल लग रहा है। अरे ऐसा यहाँ भी लिखा है क्या, गुरु पूर्णिमा स्पेशल? कार्तिक भाई, कार्तिक भैया आपका भी है नहीं, फर्स्ट है ना आपका ये फर्स्ट वीक? सेम फाड़ते हैं और क्या, हम दो ही नए हैं, बाकी तो आ रहे हैं सर। वो बात तो भी सही है, इनका तो पहला है भाई मतलब रियलिटी शो में, मेरा तो किया है मैंने झलक, बट वही है ना झलक बहुत टाइम पहले किया था। आर यू नर्वस? अभी तो नहीं, जब परफॉर्मेंस आएगी तब। परफॉर्मेंस के एक दो परफॉर्मेंस के पहले नर्वसनेस चालू हो जाएगी धीरे धीरे, पर ठीक है कोई नहीं फाड़ते हैं। ठीक है पहला मेरा पहला परफॉर्मेंस, आपका तो नहीं है, मेरा पहला परफॉर्मेंस है ये स्टेज में, तो मेरे को एवरीवन एल्स सी प्लीज। आपको भी पकड़ा जाएंगे, आपको चेहरा दिख रहा है, आप भी झुक गए, जिंदगी हो तो ऐसी हो भाई। बच्चों बैठ जाओ
भाई वहाँ पर सब रिहर्सल करके आए हैं, ये अकेला बंदा है जो यहाँ पर कुशन लेके, बस चादर की कमी थी। बस लाइफ एंजॉय करो हैं, जस्ट डू योर सेल्फ गाइज। और हमारा परफॉर्मेंस भी हो चुका है गाइज, यहाँ ब्लॉग करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि माइक पे आवाज आती रहती है। जैसे देखा, चलो गाइज तो हमारा परफॉर्मेंस हो चुका है, तो परफॉर्मेंस हमारा क्या है ना काइंड ऑफ पब्लिक। हाँ तो मैं ये कह रहा था दैट हमारा परफॉर्मेंस हो गया एंड वो आपको टेलीकास्ट में ही पता चल जाएगा क्योंकि टेलीकास्ट के बाद मैं ये ब्लॉग डालूंगा। बट फिर वही सीन है कि दैट एक्ट हमारा अच्छा था नो डाउट, बट वही है ना जजेस इसलिए रहते जो हमें बता सके हमारी गलतियाँ। तो पहले वीक के हिसाब से हमने अच्छा किया एंड वही है जजेस का काम है तो उन्होंने बताया हमें। बाकी तो आप कमेंट कर देना कि कैसा लगा आपको एक्ट। एंड ये वाली लड़की जो है हमारी मेरी पार्टनर वो थोड़ी सैड है, क्या हो गया? नहीं सैड नहीं, नहीं चलो रोल चालू हो गया भाई, सच्ची में सैड नहीं हो ना तो ठीक है। अभिषति सुष्मिता सो रही है। सब भाई यहाँ पर चालू होने वाला है आकाश थापा के साथ एक और थापा जो कि पंकज थापा, इनको तो देखा ही हो, इनको तो इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। मजा आ गया आज का एक्टिंग, इनका एक्ट देख के मजा आ गया। ऐसे इसको सपोर्ट करते हैं लोग, आप और सपोर्ट करें, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। क्या बात है पंकज भाई ने बोल दिया, भाई पंकज भाई ने बोल दिया, और क्या चाहिए। अब तो देखो 1 मिलियन कितना भी 2 हो जाएंगे मेरे मिलियन, 2 मिलियन नहीं होगा 2 मिलियन हो जाएंगे। इधर हार्ड दे देगा अभी, ये देखो 500 की हो जाएगी। फाइनली पैकअप, खुशी देखो सबकी सब। मतलब 12 आवर्स ऑफ शूट, इतना ज्यादा बैक टू बैक, अभी देखो खुशी देखो। चलो भाई चलते अब, एक एक और एक एक स्ट्रेच और एक मस्त सा मस्त वाला स्ट्रेच, 3 2 1 गो। और ओ मम्मी, और वाह मम्मी, 1 पूरा सेट बंद हो गया। तो क्या बात है यार, ये तो हमारे शुभ्रनील भैया भी करते, गिटार बजाते बजाते वो भी। फाइनली गाइस शूट जो है कंप्लीट हो चुका है भाई, हालत क्या ये बंदा इतना ज्यादा बता रहा हूँ मैं, तीखा है। मतलब नेक्स्ट वीक का एक्ट देना है, और ये बंदा जैसे कि मैंने बोला था जब मैं इनको मिला था, मैंने बोला था स्मार्टेस्ट कोरियोग्राफर आई एवर सीन, जो कि हक से बोला है क्योंकि बहुत तेज है। जहाँ इनको लगता है कि भाई चलो भाई सब आने, सब आ गए हैं, बढ़िया बढ़िया इमोशनल गाना कर लेते हैं बचने के लिए, है कि नहीं, है कि नहीं, सही कह रहा हूँ ना। और आज इनका पागल बनाया गाइस, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, पता है क्या, स्मार्टेस्ट कोरियोग्राफर, ठीक है। ये गिटार ले लूं क्या थोड़ी देर बजाने के लिए? ओ तमीज से, सॉरी नहीं नहीं गाना बजाओगे? चलो बाय, मैं बजा रहा हूँ, थोड़ा बजा रहा हूँ। घर पे आ चुका हूँ एंड फुल बॉडी थक चुकी है, बट व्लॉग जो है मेरे पास 4 व्लॉग पेंडिंग पड़ी है, मैंने अभी तक एडिट नहीं किया। एंड सब जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरी ऑडियंस है ना यूट्यूब की, सब ऐसे बोल रहे कि व्लॉग कब आएगा, व्लॉग आए, मतलब मेरी ऑडियंस इतनी प्यारी बेचारी, मतलब मैं चाहता नहीं वेट कराना आप लोग को। पूरी शरीर के एक एक अंग में दर्द हो रहा है मम्मी, मैं क्या बताऊँ आपको, मम्मी मेरे लिए बना रही है, समझ सकती हो तुम, रिहर्सल करती हो जो समझ सकती नहीं, नहीं, मैं देख रही हूँ तेरा बेचारा मेरा बेटा इतना, कोई नहीं मम्मी, मैं जहाँ मेहनत है वहाँ रहा है, और जहाँ रहा है वहाँ सक्सेस है, और जहाँ सक्सेस है वहाँ फैमिली खुश है, मतलब ये सिंपल फंडा है, ठीक है। मेहनत जितनी करोगे उतने आगे बढ़ोगे। और बात करूँ मेरे शो की, भाई लेजिट मैं बता रहा हूँ, जब से जिस एपिसोड से मैं आया हूँ, तो मतलब अभी वो हो चुका है, रिवील तो हो ही चुका है, तो मतलब लेजिट मम्मी इतने ज़्यादा लोग, इतने मेरी जितने भी ऑडियंस है, इतनी ज़्यादा सपोर्ट करी, मैं क्या बताऊँ, है ना पापा, कितना टाइम निकाल के वो कर रहे पापा भाई, मतलब मैं ना इतना कभी कभी ना इतना इमोशनल हो जाता कि मेरी जो फैमिली है यूट्यूब की इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है, चाहे मैं कोई भी अननोन शो में भी जाऊँ ना तो उन लोग को पता चल जाता है, और वहाँ पर भी ऐसा सपोर्ट दिखाते हैं कि मतलब मेरे बगल में ही खड़े हो। अगर आने वाले टाइम पे अगर ऐसा होता है ना कि कभी भी आपको हेट मिलता है, तो हेट भी जब मिलेगा ना तो मेरी पूरी जितनी फैमिली है ना यूट्यूब की, वो पूरी मेरे पीछे खड़ी है कि भाई आकाश तू टेंशन मत ले, तू आगे देख, तू अपना काम करते जा, हम पीछे हैं खड़े इन लोग को संभालने के लिए। मतलब मैं लेजिट इतना ज़्यादा मतलब खुश हूँ लाइफ में कि मतलब मैं कैसे बताऊँ आप लोग को, मेरे को ना एक्सप्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं डिज़र्व, मेरे को नहीं लगता कि मैं इस एज में डिज़र्व करता हूँ इतने प्यारे प्यारे लोग जो आप लोग देख रहे हो। बट कभी भी जब मिलता है ना, जब इतना प्यार कि भाई देखता हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ कसम से कि यार इतना प्यार जो मेरी ऑडियंस है, मतलब ऐसा भी नहीं कि मेरे 10 मिलियन है तो 10 मिलियन के 10 मिलियन जो मुझे सपोर्ट करने में, मेरी 1 मिलियन भी है ना वो मेरे लिए 10 करोड़ 1000 करोड़ के बराबर है, क्योंकि मतलब ऐसा प्यार जो है हर किसी को नहीं मिलता।
तो भाई मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मेरे को तो बोलने की जरूरत भी नहीं आजकल, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब सपोर्ट करो, ऐसा ऐसा करो, बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पता है कि दैट आकाश जो चाहता है उसको मिल रखा है। बट जो एक होता है ना सहारा, कि वो सहारा आप लोग दे देते हो, तो भाई मतलब इतना अच्छा लगता है। लोग क्या बोलूँ मैं यार, प्यार हो आप लोग मेरे लिए। मैं काश आप सब लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं वो मेरे सामने होते तो मैं अच्छे से आपको फेस टू फेस ऐसा बता पाता कि गाइस आप लोग ही हो जो भी हो। थैंक यू, इस बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक जितने भी लोग हैं, लड़का हो, लड़की हो, अंकल हो, आंटी हो, बच्चे हैं, जितने भी लोग मुझे देखते हैं ना, सबको बहुत सारा प्यार। बस और क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बट कोई नहीं, यहाँ पर अभी मम्मी जो है मैगी बना रही है, तो बस अभी वो खाते हैं, फिर देन उसके बाद सो जाएंगे। सो या ये वाला जो ब्लॉग है इतने रखते, होप करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो आपको पता क्या करने का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।